और मेरे देश के नौजवानों, कैसे हो आप सब। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल्ड कंपैरिजन करने वाले हैं टीवीएस अपाचे आरटीआर 164V का यामाहा एफजेडएस वर्जन 3 से। और वीडियो के एंड में आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए, इसलिए आप वीडियो को एंड तक देखिए। पहला पॉइंट है लुक्स एंड बिल्ड क्वालिटी। दोस्तों, लुक्स मुझे RTR 164V का काफ़ी ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये बाइक हर एंगल से एक स्पोर्टी अपीयरेंस शो करती है। स्पेशली इसका जो टैंक है वो काफ़ी मस्कुलर है, और एक्सटेंशन पर जो चेकर्स ग्राफिक्स हैं वो बाइक को एक प्रीमियम लुक देते हैं। एरोडायनेमिक इसका बॉडी डिज़ाइन है, जिसके कारण आपको वाइब्रेशन रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आएगी। यामाहा FZ-S वर्जन 3 का लुक्स भी काफ़ी अच्छा है, और बाइक हैवी लुक भी प्रोड्यूस करती है, क्योंकि इसका जो टैंक है वो काफ़ी मस्कुलर है और चौड़ा है। लेकिन खाली मस्कुलर टैंक देने से ही बाइक के लुक्स में जान नहीं आती है। यामाहा कंपनी को इस बाइक में और भी इम्प्रूवमेंट करने चाहिए। हालांकि 2020 में इसका जो BS6 मॉडल आ रहा है, उसमें आपको एक रेड कलर वेरिएंट का ऑप्शन मिल रहा है, और वो कलर मुझे भी पसंद आया है। इसलिए अगर आप प्लान कर रहे हो FZ-S वर्जन 3 को लेने का, तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए, क्योंकि BS6 मॉडल में आपको न्यू कलर का ऑप्शन भी मिल जाएगा, और अभी के हिसाब से परफॉर्मेंस में भी इम्प्रूवमेंट आएगा। दोस्तों, बिल्ड क्वालिटी RTR 164V की थोड़ी सी पुअर है, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में जब भी ये बाइक गिरती है तो इसके जो फ्रंट हेडलैम्प का ग्लास है वो टूट जाता है, और फाइबर क्वालिटी भी इस बाइक की कमज़ोर है। लेकिन बिल्ड क्वालिटी के मामले में FZ-S वर्जन 3 काफ़ी अच्छी है, क्योंकि यामाहा बाइक्स की बिल्ड क्वालिटी हमेशा से ही अच्छी आती है, और इस बाइक का इंजन भी काफ़ी स्मूथली वर्क, जिसके कारण आपको वाइब्रेशन रिलेटेड प्रॉब्लम भी इस बाइक में फील नहीं होगी। बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स पर बताइए कि आपको कौन सी बाइक का लुक सबसे ज़्यादा पसंद है। दोस्तों, ब्रेकिंग को देखा जाए तो दोनों ही बाइक्स में आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है, लेकिन अगर आपको ब्रेकिंग सेफ्टी रिलेटेड बाइक चाहिए तो अपाचे RTR 164V एक बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इस बाइक की ब्रेकिंग स्पीड FZ-S V3 के मुकाबले काफ़ी फास्ट है। 60-0 ये बाइक सिर्फ 1.7 सेकंड में आ जाती है, जो कि एक 160cc की बाइक के लिए बड़ी बात है। लेकिन फिर भी अगर आपको इसकी ब्रेकिंग पर डाउट है, तो आप दोनों ही बाइक की टेस्ट राइड लीजिए, और फिर आपको पता चल जाएगा कि कौन सी बाइक की ब्रेकिंग बेस्ट है। और अगर यहाँ पर कोई FZ-S ओनर है या फिर 164V ओनर है, तो आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए कि ब्रेकिंग को लेकर आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है। अब काफ़ी सारे लोग होते हैं जिनको स्पीड राइडिंग करने में मज़ा आता है, कॉर्नरिंग्स करने में मज़ा आता है, लेकिन अगर आप 164V पर कॉर्नरिंग्स करने की सोच रहे हो तो फिर आप गलत हो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल भी कॉर्नरिंग्स नहीं कर सकते हो, लेकिन इसके जो टायर्स हैं वो काफ़ी पतले हैं, और अगर आप इसको ज़्यादा झुकाने की कोशिश करोगे तो आपकी बाइक स्लिप भी हो सकती है। इसलिए कॉर्नरिंग्स के मामले में FZ-S वर्जन 3 बेस्ट है, क्योंकि इस बाइक में आपको काफ़ी मोटे टायर्स मिलते हैं, जो रोड पर काफ़ी अच्छी ग्रिपिंग बनाते हैं, और स्किड होने के चांसेस भी इसमें कम हो जाते हैं। हेडलैम्प विजिबिलिटी के देखा जाए तो RTR 164V में आपको हेलोजन बल्ब मिलता है, और FZ-S वर्जन 3 में आपको LED हेडलैम्प मिलता है। लेकिन दोस्तों, FZ-S की LED विजिबिलिटी काफ़ी पुअर है। सिटी राइडिंग के लिए तो ठीक है, लेकिन हाईवे पर इसकी विजिबिलिटी कोई काम की नहीं है, और इसका फोकस भी ज़्यादा दूर तक नहीं पाता है। बट यहां पर 164V की विजिबिलिटी काफी ज्यादा अच्छी है कंपेयर टू FZ-S। सिटी में भी आपको ये अच्छा रोड प्रिजर्वेंस दे, और हाईवे पर भी ये आपका अच्छा साथ देती है, और दूर दूर तक इसका फोकस जाता है। इसलिए बेटर विजिबिलिटी के लिए अपाचे RTR 164V एक अच्छा ऑप्शन है। दोस्तों, प्राइस के बारे में बात किया जाए तो अपाचे में आपको 3 वेरिएंट अवेलेबल होते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं FI विथ ABS की, और इसका प्राइस है 1 लाख एक्स शोरूम दिल्ली, और बाकी के वेरिएंट का प्राइस आप अपने नियर बाय शोरूम पर कांटेक्ट करके पता लगा सकते हो। और FZ-S V3 का सिर्फ एक ही वेरिएंट आता है, और इसका प्राइस है 98,000 एक्स शोरूम दिल्ली। तो दोनों ही बाइक की प्राइसिंग में ज़्यादा अंतर नहीं है, 1 से 2,000 रुपये का फ़र्क
पड़ता है। दोनों ही बाइक की राइडिंग कंफर्ट के बारे में बात किया जाए तो दोनों ही बाइक्स में आपको यूनिबॉडी सिंगल सीट मिलती है जिसकी कुशनिंग भी परफेक्ट है और राइडिंग पॉस्चर भी यहाँ पर RTR 164V का स्पोर्टी और एग्रेसिव है। लेकिन छोटी हाइट वाले बंदे के लिए ये बाइक परफेक्ट नहीं है और जो FZ-S V3 का सिटिंग पोजीशन है वो काफ़ी स्ट्रेट और रिलैक्सेशन वाला है और इस बाइक से अगर आप लॉन्ग टूर भी करते हो तो आपको किसी भी तरीके की पेनिंग नहीं होगी और शॉर्ट हाइटेड वाला बंदा भी इसको आराम से राइड कर सकता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको RTR 164V में 12 लीटर की मिलती है और FZ-S V3 में आपको 12.8 लीटर की फ्यूल कैपेसिटी मिलती है। सस्पेंशन सेटअप के बारे में बात किया जाए तो FZ-S में आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है और रियर में स्विंग आर्म सस्पेंशन मिलता है। 164V में आपको फ्रंट पर टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिया गया है और रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है। दोनों ही बाइक्स के इंजन के बारे में बात किया जाए तो अपाचे RTR 164V में आपको मिलता है 159.7 cc का सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक OHC SI फ्यूल इंजेक्टेड इंजन और ये बाइक आपको कार्बोरेटर वेरिएंट में भी अवेलेबल हो जाएगी। मैक्सिमम पावर आपको 16.7 PS एट 8000 RPM पर मिलती है और मैक्सिमम टॉर्क 14.8 न्यूटन मीटर एट 6500 RPM का मिलता है और नंबर ऑफ गियर्स इस बाइक में आपको 5 मिलते हैं। यामाहा FZ-S V3 में आपको 149 cc का सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक 2-वाल्व एयर कूल्ड SOHC फ्यूल इंजेक्टेड इंजन मिलता है जिसमें आपको मैक्सिमम पावर मिलती है 13.2 PS एट 8000 RPM पर और मैक्सिमम टॉर्क मिलता है 12.8 न्यूटन मीटर एट 6000 RPM पर और इस बाइक में भी आपको 5 गियर मिलते हैं। तो दोस्तों RTR 164V में आपको 3.5 BHP पावर ज़्यादा मिलता है कंपेयर टू FZ-S वर्जन 3। माइलेज के बारे में बात किया जाए तो FZ-S V3 से आप अराउंड 45-50 km/h तक का माइलेज गेन कर सकते हो और RTR 164V से आप अराउंड 40-43 km/h तक का माइलेज गेन कर सकते हो। बाकी फिर ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपनी बाइक का मेंटेनेंस रख रहे हो। अब बात करते हैं कि आपके लिए कौन सी बाइक सही रहेगी। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों ही बाइक्स ने एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दी है इसलिए मुझे छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपके लिए बेस्ट बाइक चूज करनी है। तो मुझे लगता है कि TVS Apache RTR 164V आप सभी के लिए बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि ये हमारे इंडिया का ब्रांड है और आपको मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम पे करना होगा और इसके पार्ट्स भी आपको आसानी से मिल जाएंगे वो भी कम प्राइस में और इस बाइक का लुक्स भी काफ़ी स्पोर्टी और मस्कुलर है और इंडिया में RTR लवर्स काफ़ी ज़्यादा है। पावर भी इस बाइक का काफ़ी अच्छा है और 1 लाख के अंदर में ये बाइक आ जाती है जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए भी बजटेबल है और अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो और डेली यूजर्स के लिए बाइक खरीदना चाहते हो जो माइलेज अच्छा दे सके तो अपाचे RTR 164V से अच्छा ऑप्शन कोई नहीं है। बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स पर बताइए कि आप कौन सी बाइक को लेना पसंद करो। तो उम्मीद है कि आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, उसको शेयर कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके दबा दीजिए बेल आइकन को क्योंकि मैं आप लोगों के लिए हमेशा ऐसे ही वीडियोज़ लाता रहता हूँ। अभी के लिए थैंक्स।